एथर एनर्जी एक फेमस स्टार्टअप है इंडियन ईवी मार्केट में। इंडिया में जब ये स्टार्टअप ओपन हुआ था तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी इस कंपनी में इन्वेस्ट की थी, लेकिन इस बार एथर एनर्जी को 550 करोड़ रुपए की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिल गई है, और वो भी अपने कंपटीटर कंपनी से। तो कौन सा कंपनी इन्वेस्ट किया एथर एनर्जी पर, सारा कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे और नए वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। हीरो मोटोकॉर्प जो कि ऑलरेडी इंडिया में टॉप 2 व्हीलर कंपनीज में से एक है, इस कंपनी ने एथर एनर्जी पे कर दिया है 550 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट, और कंपनी के थ्रू ये बताया जा रहा है कि ये अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प अपना एसोसिएट कंपनी एथर एनर्जी का डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और सर्विस में ऑलरेडी लगी हुई है। तो ये पहली बार नहीं हुआ कि हीरो मोटोकॉर्प ने एथर एनर्जी पे इन्वेस्ट किया। आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प एथर एनर्जी पे शुरुआत से ही इन्वेस्टर रहा है और 2016 से ही इनका डेवलपमेंट का हिस्सा बना हुआ है। अब आपको बता दें राइट शेयर के बारे में जिसके तहत ये इन्वेस्टमेंट की गई है। तो राइट शेयर के तहत जो मौजूदा शेयर होल्डर होते हैं उनको फिक्स्ड रेशियो पे नए शेयर जारी किए जाते हैं, और कंपनीज अक्सर अमाउंट कलेक्ट करने के लिए इन राइट शेयर्स का सहारा लेते हैं। तो शेयर होल्डर्स के पास जितने भी शेयर्स होते हैं उसके हिसाब से उनको राइट शेयर्स बेची जाती है। अब आपको बता दें कि एथर एनर्जी ने अपना एथर 450X को लास्ट मंथ अपग्रेड कर दिया है, और एथर एनर्जी ने अपना बजट इलेक्ट्रिक स्कूटर एथर 450S को भी लॉन्च किया था, जिसको इंडियन मार्केट में काफी अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। तो एथर एनर्जी ईवी मार्केट का बढ़ता हुआ डिमांड देखते हुए कई सारे न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। तो देखना अब यह होगा कि ये बड़ा इन्वेस्टमेंट एथर एनर्जी के अंदर क्या न्यू रेवोल्यूशन लेकर आती है। तो आपकी इस पर क्या राय है कमेंट पे जरूर बताइए, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाइए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।